कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके हम लोग आज यहाँ पर आए स्पीड वेस्ट और कोलकाता का मैच देखने। कैसे कुर्बानी? आंधी आ गई, आंधी पूरी तरह पछिया हुआ गया। आए दोस्तों, स्पीड का ये गेम लड़ता हुआ, ग्राउंड का ये गेम दिखा रहा हूँ। ऊपर से सलमान, नीचे से बाबन, लेफ्ट साइड नीचे से देखिए बाबन है। नादरगंज में मैच होता हुआ, ऊपर से सलमान स्पीड की तरफ से रखते हुए, राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, गद्दा बनाया, थोड़ी सी पतंग जो है बाहर की है, चलिए उन्होंने बाहर को खींचा, इन्होंने गद्दा मारा, इनकी पतंग अंदर की तरफ जा रही है, बढ़िया ये पेच काटा है सलमान ने। पतंग क्योंकि बाहर की थी तो जब गद्दा चले हैं तो गई अंदर की तरफ, तेज तेज थपकियों पर रोकना था। चलिए बढ़िया पेच काटा है सलमान ने स्पीड के लिए। आइए दोस्तों, कलकत्ता के सबसे धुरंधर खिलाड़ी अमजद भाई का पेस देखते हैं, जो कि राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, अब सलमान गए हैं, गद्दा मारा था पिछला, पतंग उनकी बाहर की थी तो जैसे गद्दा मारा अंदर की पतंग गई, उनको तेज तेज थपकियों पे रोकना चाहिए था। लेफ्ट साइड ऊपर से खतरनाक खिलाड़ी हमारे अमजद भाई कलकत्ता के, चलिए गद्दा चलते हुए, पूरा गद्दा चल रहे हैं, थपक रहे हैं, सलमान ने बाहर ताकत से चपटा खींच के ये शानदार पेच काटा है। ऐसा लगा कि उनके हाथों में मांझा या तो फंस रहा था, क्योंकि वो बीच में रोक के थपकने लगे थे, जबकि बहुत अभी दूरी थी और करीब कराना चाहिए था। सलमान ने ये मौका देखा और पूरा चपटा बाहर खींच लिया। आए दोस्तों ये पेच देखते हैं एक बार फिर से सलमान भाई का, ऊपर से जावेद, सही है पेच, सही बोल दिया गया है। नादरगंज में मैच होता हुआ, हवा की स्पीड है 7-8 किलोमीटर जो कि पुरवाई में चल रही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जावेद का, चलिए गद्दा दिखाते हुए, उन्होंने थोड़ा पट किया, ये करीब करा रहे हैं, फिर अंदर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से जावेद कलकत्ता, बहुत ताकत लगाते हुए, सलमान का कोई जवाब नहीं, बढ़ रख के बाहर खींच रहे हैं, थोड़ा कम करके कलकत्ता के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पर हो रही है, बढ़ रख के ताकत से खींच रहे और दूर से खींच रहे हैं, अच्छी बात यह है। कलकत्ता की टीम एक बार फिर से लखनऊ के दौरे पे है और पहला मैच हो रहा है स्पीड काई क्लब की तरफ अगेंस्ट में। बेन भाई हैं देखिए बैठे हुए हैं और बेन काई क्लब ही आए हुए हैं, इससे पहले जावेद भाई पेच लड़ा रहे थे, सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, अमजद भाई हैं और इनका पहला ही मैच है स्पीड से। पीछे देखिए ख़तरनाक एक और खिलाड़ी इमरान है, सारे के सारे आप खिलाड़ियों को जानते ही हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं जो कलकत्ता के देख रहे होंगे तो उनको तो मालूम ही होगा। तो चलिए बेहतरीन पेस देखने को, हालांकि हवा जो है थोड़ी सी घूम रही है, चारों तरफ चल रही है, तैयारी कर रहे हैं, अभी 4-5 पेच हुए हैं, हवा वैसी नहीं है जैसी डिमांड होनी चाहिए। सामने रहेंगे ताबिश, शकील, विक्की भाई, सलमान, समीर, अन्य लोग। पेस सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे अभिषेक लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अभिषेक, नीचे से सलमान बने हुए लगातार, थोड़ा सा कम कर रहे हैं अभिषेक अपनी पतंग को,
अभिषेक की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, काफ़ी ज़्यादा अंदर हाथ की तरफ उतरे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बढ़ है यहाँ पे सलमान की पतंग। देखते हैं क्या करेंगे सलमान, और कम करते जा रहे, तेज हाथों से कम करते चले जा रहे हैं अभिषेक, और जल्दी जल्दी कम करना होगा सलमान को वरना गद्दा पड़ जाएगा। पतंग को तेज चला रहे हैं, गद्दा दिखा रहे हैं अभिषेक, वो बाहर की तरफ चपटा खींच रहे हैं, ये गद्दा चला इन्होंने खड़ा खींचा है, थपक रहे हैं और ये पेच कट गए हैं। अभिषेक आखिरी में डोरों पे रख लिया था, आए दोस्तों पांच पेच काट चुके हैं सलमान नीचे से, अब जा रहे एक बार फिर से अमजद भाई। चलिए ये पेच देखिए यहाँ पे हो रहे सही हो गए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जो नीचे का मुड्ढा आ रहा है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखें करीब कराते हुए अमजद भाई, वही गद्दा चल देंगे। उन्होंने क्रॉस पर रोका, फिर से पतंग रोकी और खड़ा खींचा है, बहुत ताकत लगाई है सलमान ने, कमाल का ये पेच हुआ है। एक बल लिया और सीधा गद्दा चल दिया बाहर की तरफ, इन्होंने पहले चपटा बाहर दिखाया, रोकी पतंग सलमान ने और फिर सनलक खड़ा खींच दिया, बहुत ही जानदार पेच लड़ा दिया सलमान ने अब तक का। अगला पेच लड़ाने आ रहे हमारे बबन भाई, उनका साथ देंगे उनके कप्तान बेन, हमारे बेन भाई, कलकत्ता की ये बहुत मजबूत टीम बन के आई है। चलिए हालांकि सलमान 6 पेच काट चुके हैं, 7 पेच से 1 पेच दूर है, इस समय तक स्कोर है 6-2 का, स्पीड आके है दोस्तों। इस पेच को समझते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से हैं हमारे बबन और नीचे से सलमान एक बार फिर से बढ़ते हुए, सीधे हाथ की पतंग देखिए नीचे से सलमान 6 पेच काट चुके हैं, क्या 7 हो पाएगा देखते हैं। 6-2 का स्कोर है से स्पीड आगे है। जितने भी नए भाई जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स यानी काइट कल्चर के परिवार से मैं बोलना चाहूँगा शेयर करें। चलिए लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे नीचे रखा, उन्होंने बाहर की तरफ ताकत से खींचा है, गद्दा पूरा चला और ये गद्दा पड़ गया करारा अभिषेक का। ये देखिए यहाँ पे पतंग इनकी, एक बल्ले के बहुत ही गड़ौता हुआ गद्दा पड़ा, इस बार कहीं ना कहीं जो पतंग बार बार बढ़ रख के ये खींच रहे थे, बहुत ज़्यादा पहल करके इन्होंने गद्दा चला और करीब से खींच लिया बाहर, जिसकी वजह से झोल मिला और ये बबन ने उनका 7वां रोका। हम सोचे कि फेफड़ा पतंग आप उड़ा रहे हैं। आइए दोस्तों दोनों ही धुरंधर खिलाड़ियों का गेम दिखा दे, ऊपर से शकील भाई आए हैं गाजी के कप्तान, सही बोल दिया है। लेफ्ट साइड नीचे से एक बार फिर से अमजद भाई बने हुए हैं, सही है आवाज़ लगा दी गई है सही की, परदेश के गेम में सही कराना ज़रूरी होता है। चलिए थोड़ा सा बाहर निकालते हुए अमजद लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊँचा करते हुए, बहुत भारी पतंग है शकील भाई की, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं ताकत से और अंदर बढ़ रहे हैं, वो बाहर खींच रहे हैं, अब थोड़ा बाहर निकालते हो। शकील भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली पतंग देखेंगे, ये गद्दा दिखाते हुए शकील भाई गद्दा रख रहे हैं, अंदर ले जाके ये झोल पे रखा, फिर गद्दा चल दिया है और ये पतंग उनकी वहीं लैंड हो गई, जैसे गद्दा अंदर चले हैं स्लिप हो गई कहीं ना कहीं शकील भाई की पतंग। आए दोस्तों 6 पेच काटे थे सबसे ज़्यादा अभी तक सलमान का, अगला पेच देखते हैं अमजद भाई के खिलाफ, ऊपर से लड़ाएंगे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से अमजद भाई बढ़ते हुए, 2 पेच कंप्लीट कर चुके हैं, लेफ्ट साइड नीचे नीचे बढ़ते हुए पेच सही है, सही बोल दिया गया। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से हमारे सलमान अंदर की तरफ जा रहे, अब बाहर की तरफ निकाल रहे, बाहर निकालने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, देखिए अपनी तरफ खींच रहे सलमान की पतंग देखिए राइट साइड। चलिए गद्दा रखते हुए वो थोड़ा सा बाहर चला रहे, पतंग को तेज चलाया अमजद भाई ने,
अब क्या करेंगे, दोनों चला रहे हैं, उन्होंने पैरेलल खींच के बढ़ाया, ये झोल काटा है सलमान का कमाल का पिच काटते हुए, अमजद भाई का कोई तोड़ नहीं। कलकत्ता के नंबर वन प्लेयर में शुमार हमारे अमजद भाई का, ये पेज देखा आपने, जल्दी से पहल से उनका झोल काट दिया, पैरेलल ऊपर तो खींच रहे थे लेकिन झोल बना हुआ था, वो सिमटा नहीं कहीं ना कहीं सलमान भाई से, और तीन पेज कंप्लीट कर लिए हैं बेन काइट क्लब कोलकाता की तरफ से। दोस्तों एक और पेज देखते हैं लगे हाथ, लेफ्ट साइड वाली ताकत से खींचते हुए विक्की, हाय झटक के आखिरी में विक्की भाई ने बढ़िया पेज काट दिया, ये ऊपर से लड़ा रहे थे विक्की भाई, राइट साइड वाली पता नहीं। दोस्तों ये पेज देखते हैं, लेफ्ट साइड ऊपर से बबन, नीचे से एक बार फिर से सरदार जी हमारे आए हैं, बढ़िया पेच इससे पहले अमजद भाई को काटा था। चलिए लेफ्ट साइड ऊपर से बबन रखते हुए गद्दा बढ़ करके रखते चले जा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सा पट दिखाया बाहर को, चलिए गद्दा चल दिया पूरा, इन्होंने क्रॉस मारने के चक्कर में झोल कटवा बैठे हमारे सरदार जी, बढ़िया पेच ये काटा है, पहल से गद्दा मारा, वो थोड़ी सी देर रह गई कहीं ना कहीं हमारे सरदार जी से। आए दोस्तों लखनऊ की एक ज़बरदस्त पतंग की हस्ती शामिल होते हुए, ऊपर से रखते हुए हमारे समीर, सही है लेफ्ट साइड, नीचे से एक बार फिर से बबन, इससे पहले बहुत ही अच्छा पेच काटा था। चलिए समीर की पतंग देखिए, राइट साइड ऊपर है, दो बार ऑल इंडिया चैम्पियन, चलिए रखते हुए काफ़ी भारी पतंग उड़ा रहे हैं अपने नेचर के विपरीत, वो मीडियम पतंग उड़ाना पसंद करते हैं हमारे समीर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से करीब करते हुए समीर अंदर बाहर करके, जैसे भारी के खिलाड़ी लड़ाते हैं वो बाहर दिखा रहे तेज हाथों से, उन्होंने गद्दा रखा, इन्होंने पतंग चलाया, और जैसे कि भारी खिलाड़ी लड़ाते हैं जल्दी से झोल पर उतर के थपथपा लिया, उस्ताद या गोल्डी के पेच आपको समझ में आए होंगे, हमारे पिंटू भाई लड़ाते हैं किंग से, उनके पेच समझ में आए होंगे। लड़ाओ लड़ाओ जाबे लड़ाओ। आइए दोस्तों नीचे से अब एक और धुरंधर खिलाड़ी स्पीड से आते हुए, नाम है इनका ताबिश, चलिए ऊपर से बिन्नी भाई लड़ा रहे हैं हमारे, देखिए यहाँ खड़े हैं रेड टी शर्ट में, और ये देखिए ग्रीन टी शर्ट में ताबिश अंदर बढ़ते हुए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से पतंग थोड़ी ख़राब हो गई है मेरे ख्याल से, पतंग पेच पे था, सही नहीं हुआ था, तो सही नहीं हुआ था तो आराम से ये पेच हट जाएंगे। चलिए पतंग ख़राब हो गई, फट गई पतंग। आए दोस्तों पिछला आपने देखा पतंग ख़राब हो गई थी बिन्नी भाई की, ऊपर से अब आ रहे हैं अभिषेक, क्योंकि सही नहीं हुए थे पेच इसलिए पतंग को हटा लिया गया। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अभिषेक की गद्दा दिखाते हुए, ताबिश भाई की पतंग देखिए बढ़ रख के बाहर की तरफ ताकत से खींचते, उन्होंने गद्दा पूरा चल दिया है, उन्होंने पतंग चलाई अंदर की तरफ, खींचने के चक्कर में थोड़ा लेट हुए, आखिरी में थपक भी लिया, बढ़िया ये पेच काटा है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ होने के कारण ये पेच कट गए हैं हमारे ताबिश भाई, अंदर दिखाने के चक्कर में उनका झोल पीछे गया, उसी झोल पे खींचते हुए थपकते हुए चले गए अभिषेक। सही हो चुके हैं लेफ्ट साइड, नीचे से हमजद, ऊपर से समीर, चलिए थोड़ा सा बाहर निकालते हुए वो अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं, ये ऊंचा करते चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं इस पेज को इत्मीनान से ज़रा, लेफ्ट साइड वाली नीचे से अमजद कलकत्ता से, चलिए रखा झोल पे, थोड़ा सा ऊंचा कर लिया समीर ने, हाथ थोड़े अलग मूड में दिख रहे हैं समीर। चलिए देखते हैं भारी का पतंग लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए कलकत्ता की पतंग है, लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर से स्पीड के धुरंधर खिलाड़ी समीर, चलिए देखते हैं कैसे क्या पेच लड़ाएंगे दोनों,
करीब करा रहे हल्के हल्के हाथों से, ये रखा झोल पे जल्दी से। ओह कहीं ना कहीं बहुत दूर रह गए और थपकने का मौका दे दिया अमजद भाई को, पूरी ताकत से वो थपकते हुए चले गए। दो तीन थपकी मारी थी तब तक झोल कट गया समीर भाई के पतंग का। अरे कहने का वही मतलब हुआ। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं, नीचे से अमजद भाई बने हुए हैं, इससे पहले भी बढ़िया पेच काटा था, जल्दी से बाहर थपक लिया ताकत से, झोल पे उतारने की कोशिश कर रहे थे समीर। इस बार ऊपर से हमारे शकील भाई देखिए करीब कराते हुए बाहर का गद्दा दिखा रहे हैं, इन्होंने झोल कटेगा, बहुत ऐसा लगा बल बदल ही नहीं पाए शकील भाई और पूरी पहल से बाहर खींच ले गए इनके झोल को। थोड़ा सा जगह का भी कन्फ्यूज़न चल रहा है और बढ़िया पेच काटते हुए लगातार अमजद भाई हमारे। आइए दोस्तों पेस सही है, ताबिश भाई की पतंग देखेंगे, राइट साइड ऊपर से नीचे से अमजद भाई, चलिए थोड़ा बढ़ करके रखा हुआ है ताबिश भाई ने गद्दा चलते हुए, गद्दा चलते हुए यही गद्दा मुड्डा ले लेंगे। उन्होंने पलटी पतंग अंदर खींच रहे थे, फिर से बल कटा। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर पेच जब हम रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो कट जा रहे हैं क्योंकि हवा नहीं है दोस्तों। अच्छा पेच लड़ाने की कोशिश की थी, लड़ाना यही था, बस जो ताकत मिलनी चाहिए थी झोल को वो मिला नहीं, यानी जो मांझा था उसको और ताकत कैसे मिलती जब हवा होती या बहुत ज़्यादा तेज पहले से खींच रहे होते। ये तो भाई तीन पतंगे ऑलरेडी है भाई। अरे बॉस देखिए तीन पतंगे हमारी तनी हुई है। अभिषेक की पतंग देखिए लेफ्ट साइड ऊपर से नीचे से समीर, लेफ्ट साइड ऊपर से अभिषेक है, जल्दी से पेच फेर दिए गए हैं, चलिए बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं। रोकी पतंग और करीब कर रहे हैं, समीर ने बाहर को दिखाया ताकत से, दिखाते चले गए मुड्ढे को इधर उधर घुमाया, अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे थे। मैंने कहा यहाँ पर इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है नहीं, क्योंकि बार बार मैंने देखा जितने भी रुख दिखाने वाले पेच थे सब कटे हैं और अभिषेक ने ये शानदार गद्दा मारा है समीर को। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे एक बार फिर से, बबन भाई के ऊपर से सलमान रखते हुए अपनी पहली पतंग से छह पेच काट दिए थे, पहली या दूसरे से काटे थे, चलिए करीब कराते हुए सलमान की पतंग देखिए, काफ़ी ज़्यादा रेंज चल रहे हैं 450 मीटर मेरे पास से, मैं खुद पीछे बहुत खड़ा हूँ। चलिए पूरा गद्दा रखा, बल दिया, बढ़िया ताकत से खींचा है सलमान ने, शानदार ये एक बल लिया और गद्दा चला है ताकतवर। आप बताइए, आप एक यहाँ दो मैदान लगते हैं भाई, आपको इतनी बोरी तक एक बार भी बोला कि भाई नहीं हटाएंगे हम लोग, हम लोग तो हटा ही रहे, देखिए सब पैक कर लिया, देख लीजिए चाहिए ना भाई, सिंपल सिंपल है। पेज बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से अभिषेक की, नीचे से समीर, इससे पहले दोनों के बीच पेच हुआ जिसमें अभिषेक ने बढ़िया गद्दा मारा था। चलिए करीब कराते हुए अभिषेक लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, करीब कराते हुए वो क्रॉस पे खाली करा रहे हैं, चलिए पतंग को तेज चलाया समीर ने, क्या करेंगे जान लगाइए दोनों ने, इन्होंने भी अंदर का रुख ताकत से दिखाया, शानदार ये पेच काटा है अभिषेक ने। कहीं ना कहीं पतंग जो है मीडियम पतंग थी, अभिषेक की भारी पड़ी समीर के सामने, अच्छा पेच काटा है यहाँ पे अभिषेक ने कमाल का। आइए दोस्तों पेस सही हो गए, नीचे से इमरान बढ़े हुए हैं, बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी ये भी, सलमान ऊपर से हैं, राइट साइड वाली पतंग देखिए स्पीड की तरफ से, इससे पहले क्या कमाल का पेच काटा था, चलिए गद्दा दिखाते हुए सलमान ताकत से भरा, उन्होंने अभी भी चक्कर देते चले जा रहे, क्या करेंगे अंदर की तरफ ताकत से खींचते चले गए, बहुत ही टेक्निकल पेच काटते हुए। आइए दोस्तों समीर पेच लेके आए हैं,
इससे पहले ताविश भाई भी कटे, उनकी खींच की वीडियो बना रहा था, इंस्टाग्राम पे देख लीजिएगा। सही बोल दिया गया, नीचे से इमरान बड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड नीचे से जो पतंग चक्कर खा रही है बाहर निकाल रहे हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाहर का गद्दा शो किया है समीर ने, वो करीब करा रहे हैं। यही गद्दा ले लिया उन्होंने रोकी, बहुत ही खूबसूरत पेच काटा है, इमरान का कोई जवाब नहीं। रोक के पतंग अंदर के दो चार थपकी लगाई और पूरा गद्दा लैंड करवा दिया यहाँ पे समीर भाई। लखनऊ के और भी बहुत सारे खिलाड़ी आए हुए हैं, मौजूद हैं, सौरभ भाई जिनमें से एक, और भी भाई हैं। देखिए जब अच्छी टीमें लड़ती हैं तो अच्छे खिलाड़ी आते हैं देखने। ये खिलाड़ी बहुत शानदार है, ऐसा नहीं कि देख रहे हैं तो ऐसे ही हैं। स्पीड की टीम में शामिल है आज हमारे सलमान भाई, समीर, विक्की सरदार जी, शकील भाई और ताबिश। सामने हैं बेन काइट क्लब कोलकाता की सबसे मजबूत टीमों में एक और मजबूत प्लेयर्स भी हैं। उधर इमरान हैं, बिन्नी हैं, अभिषेक और अमजद भाई तो हैं ही हैं सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी, और भी अन्य खिलाड़ी हैं, बेन भी हैं जो कप्तान हैं। दोस्तों हवा काफ़ी कम है लेकिन रेंज चली जा रही है और नीचे से इमरान अपने तहलका वाले पेस दिखाते हुए बहुत अच्छे खूबसूरत पेच काटते हुए। चलिए राइट साइड ऊपर से ताबिश भाई इस बार आए हैं इमरान को रोकने, बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए कम करा रहे हैं पतंग को। इमरान लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए बाहर की तरफ खींच रहे हैं और इन्होंने गद्दा भरा ताकत से, वो गद्दा पड़ा है करारा ताबिश भाई का। हमारे बहुत ज़्यादा ताकत से खींचते हैं, आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। राइट साइड वाली पतंग देखिए नीचे नीचे आती हुई, ऊपर से अभिषेक है। चलिए अभिषेक बहुत ही शानदार खिलाड़ी और अच्छा खेल का प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से, नीचे से है हमारे ताबिश भाई ने इससे पहले इमरान पे बहुत ही तगड़ा गद्दा मार दिया। चलिए सनलग का पेज हुआ, लेफ्ट साइड बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं अभिषेक, शो करते चले उन्होंने खड़ा खींचा है और तबाही मचा रखी है ताबिश भाई की खींच ने। आए दोस्तों ऊपर से अब आए हैं हमारे अमजद भाई, नीचे से ताबिश बने हुए हैं, जगह लेके बहुत ही ताकत से खींच रहे हैं। पिछला पेज में आपने देखा कि पतंग थोड़ी सी सीधी होती चली गई, यानी कि हल्की सी अंदर आई थी और उस पर कहीं ना कहीं गद्दा मार रहे थे अभिषेक और लैंड हो गए, मतलब अभिषेक की पतंग। चलिए ज़ोरदार खिलाड़ी दोनों ताबिश और अमजद का पेच आप देख रहे हैं हमारे अमजद भाई का, ऊपर से अमजद रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अभी ऊपर पतंग लगा रखी है, जैसे ही मैंने कहा वो पट मुड्ढा ला रहे, थोड़ी पतंग उनकी बाहर की है। देखिए अमजद की पतंग हल्की सी बाहर की है, चलिए अंदर आते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ हो गई है, अब क्या करेंगे। ताबिश बाहर की तरफ ताकत से खींचते हुए पतंग को अपनी कम करते चले जा रहे हैं, चलिए कम कर रहे हैं। देखिए इधर से समीर कह रहे हैं कि पतंग को कम करो, रेंज में ना लड़ाओ, ऐसा सब बताते चल रहे हैं। चलिए देखते हैं, करीब कराते चले जा रहे हैं, बाहर खींचा है पलट के अंदर की तरफ खींच रहे थे बहुत ताकत लगाते हुए, ये देखिए धूल वगैरह सब उड़ा दिया इन्होंने, पलट के अंदर दिखाने की कोशिश की थी, दो हाथ खींचा था तब तक कट गए अमजद। सही बोल दिया है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए गद्दा रखते हुए, रोकी पतंग जल्दी से उन्होंने हटाया। ताबिश भाई की पतंग देखिए राइट साइड नीचे से, एक अलग राइट साइड वाली नीचे वाली पतंग है उसको मत देखिएगा, अंदर बढ़ते हुए ताबिश भाई बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ऊंचा करे काफ़ी बढ़ हो गई है। ऊपर से हमारे बेन लड़ा रहे, चलिए कप्तान लड़ा रहे हैं कप्तान साहब, सामने से भी ताबिश हमारे कप्तान साहब। ज़्यादा बढ़ करके ये गद्दा मारा है बेन ने और बहुत तेज खींचते हैं भैया ताबिश, क्या बात है, खींच देख रहे हैं, नहीं देखी तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए, बहुत तेज खींचते हैं हमारे ताबिश। बहुत दूर से गद्दा मारा था, झोल पूरा पीछे आ रहा था और एक बल लेके पूरी ताकत से चपटा बाहर खींच दिया उसी झोल को और वो देखे जा रही है पतंग हमारे बेन की।
आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। समीर की पतंग राइट साइड नीचे से, ऊपर से देखिए बेन काइट क्लब के खिलाड़ी, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। समीर ने बहुत ज़्यादा पतंग को ऊंचा करके रखा हुआ है राइट साइड, इन्होंने गद्दा दिखाया और ऊंचा किया समीर ने, इन्होंने पूरा गद्दा चला, समीर ने चक्कर दिया और अंदर के थपके लगाई, अल्टीमेट पेज काट दिया। सीखते रहें ये वाले पेज। आइए दोस्तों एक और समीर का पेज देखते हैं। पिछला पेज आपने देखा लेफ्ट साइड ऊपर से है अपोनेंट, चलिए गद्दा रखते हुए पतंग को चलाया, समीर ने ताकत से खींचा, उन्होंने पलट के अंदर की तरफ ताकत से, ये गेम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा पेज आपको देखने को मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपर कराइब। समीर का एक और पेज देखते हैं दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से है, लड़ा रहे हैं अभिषेक, चलिए अभिषेक लड़ा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अभिषेक की पतंग देखिए काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गए हैं, समीर बाहर की तरफ ताकत से लाते हुए, चलिए गद्दा शो कर रहे हैं अभिषेक, गद्दा शो कर रहे हैं, वो क्रॉस पट पे थोड़ा खाली करा रहे हैं और करीब कर रहे हैं अभिषेक, गद्दा चलते जा रहे हैं, अब इन्होंने ताकत से खींचा, इन्होंने पलट के अंदर की तरफ, वो देखिए पतंग जो है कहीं ना कहीं बाहर की थी, पतंग का सहारा मिला और अभिषेक ने ताकत से खींचा, अंदर गई बाहर, अच्छा गद्दा मारा है समीर पे, दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला होता हुआ और अभिषेक आगे हैं समीर से। वाह। आए दोस्तों थोड़े से करीब पेच होते हुए, अब ऊपर से देखिए अंदर का मुड्डा बनाए हुए ताबिश भाई, चलिए बाहर का मुड्डा लेके आते हुए करीब कराते हुए, नीचे से हमारे हैं बबन अंदर आते हुए, गद्दा रख रख के करीब करा रहे हैं ताबिश भाई की पतंग, देखिए राइट साइड ऊपर से वो अंदर की तरफ मुड्डा बना रहे हैं, चलिए गद्दा सीधा सीधा गद्दा मारा, उन्होंने ताकत से चपटा खींचना चाहा था, लेट कहीं ना कहीं होता है खिलाड़ी तभी कटता है वरना सब ठीक रहता है, बढ़िया गद्दा मारते हुए ताबिश भाई, इनकी खींच देख लीजिएगा कैसे खींचते हैं हमारे ताबिश, ऑफिशियल काइट कल्चर इंस्टाग्राम पे हमारे जुड़ जाइए। अमजद भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर से ताबिश भाई हमारे, चलिए बराबरी का गेम चलता हुआ, लेफ्ट साइड अमजद भाई ऊंचा खींच रहे हैं, इन्होंने गद्दा चला, उन्होंने भर्रा छोड़ा, उनकी पतंग डबल पे ऊपर आ रही है, इन्होंने ताकत से अंदर खींचा ताकि झोल कटे लेकिन झोल मिला नहीं, हर पूरी पतंग जो है घूम के वापस आ गई ताबिश भाई की, ताबिश भाई की पतंग अंदर की हल्की सी, हालांकि वो ऊपर से पीछे लड़ा सकते हैं, चलिए देखते हैं फिर से तेज़ जल्दी जल्दी पतंग को पार कर रहे हैं ताबिश भाई, अंदर की तरफ जा रहे हैं, अंदर मतलब खिलाड़ी अपोनेंट की तरफ जाना अंदर उसे कहते हैं, चलिए गद्दा रखते हुए यानी नीचे ला रहे हैं, ये गद्दा रखा वही मुड्ढा चल देंगे, वो ताकत से अंदर खींच रहे हैं अब, ओहो बहुत टेक्निकल पीछे काटा है ताबिश भाई ने, जैसे ही देखा कि उन्होंने अंदर का रुख दिखाया तुरंत ताकत से थपकी मारी और शानदार, ये सारी थपकी मारते कैसे हैं इंस्टाग्राम पे जाके सीख लीजिए, काइट कल्चर ऑफिशियल काइट कल्चर डालिए, वहाँ पे ताबिश भाई खींच रहे हैं थपक रहे हैं। आइए दोस्तों लेफ्ट साइड वाली पतंग ये नीचे से अमजद भाई ऊपर से रखते हुए बहुत टेक्निकल पेच काट दिया ये ताबिश भाई को, वो डबल की तरह ऊंचा उठा रहे हैं, इन्होंने पतंग चलाई और अंदर ही खींच दिया। आए दोस्तों एक और पेज सही हो गया, अमजद भाई की पतंग देखिए अमजद भाई लड़ा रहे हैं लेफ्ट साइड नीचे से करीब कराते हुए ताबिश भाई हैं ऊपर से, चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊंचा करते हुए नीचे से हैं अमजद भाई, लेफ्ट साइड वाली नीचे से गद्दा बनाया, गद्दा चल रहे वो चक्कर देके अब बाहर की तरफ खींच के बहुत अच्छा पेज काटा है अमजद भाई ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं, काफ़ी दूर पेज लड़ रहे हैं, हवा बहुत अच्छी आ गई है, नीचे वाली पतंग देखेंगे ताबिश भाई की, ऊपर से लड़ा रहे हैं बिन्नी, चलिए ऊंचा करते हुए मैं बिन्नी के डोर के नीचे ही खड़ा हूँ, जस्ट स्पीड वर्सेस बेन काइट क्लब कलकत्ता वर्सेस लखनऊ का ये गेम, ताबिश भाई की पतंग देखिए, ताबिश भाई की पतंग देखिए राइट साइड नीचे से बढ़ते हुए देखिए, वो चेहरे की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने पतंग हटाई पट कर रहे हैं, वो अंदर लेके जा रहे हैं बिन्नी भाई, पतंग थोड़ी कम होती हुई दोनों पतंगें कम होती चली जा रही हैं, और अंदर जाते हुए बिन्नी भाई, अब अंदर आए आभिश, अभी तक बाहर निकाल रहे थे,
पेज को सिर्फ सीखिए, समझिए और इम्प्लीमेंट करिए। बार बार लड़ाएंगे तभी होगा काम। चलिए बढ़िया, करीब कराते हुए वो अंदर की तरफ जगह बना रहे हैं ताबिज भाई। देखिए जगह बनाते चले जा रहे, तब थोड़ा सा बाहर निकाला इन्होंने, रखा थोड़ा, उन्होंने पट किया, पट मतलब नीचे करना। चलिए ऊंचा खींच रहे हैं, अब ये झोल खींचेगा वो थप। ओए हाय क्या शानदार डबल बनी बिन्नी की पतंग, और तेज तेज थपकी मारी। झोल खींचना चाह रहे थे ताबिश भाई, खींच भी ले जाते अगर ये थपकी ना मारते तो। चलिए अगला पेज लेने जा रहे हैं हमारे समीर, उनसे लड़ाने जाएंगे एक बार फिर से। अभिषेक आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नीचे से अभिषेक के ऊपर से समीर रखते हुए गद्दा चलते चले जा रहे हैं। उनकी पतंग थोड़ी बाहर की है, अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, जा रही है। पतंग को चलाया समीर ने, पतंग को वहीं चला रहे हैं। देखिए तेज तेज वो पट कर रहे हैं, तेज पट किया उन्होंने, जल्दी से ऊंचा कर लिया। अभिषेक देखिए यहाँ खड़े हैं, अंदर की तरफ पतंग को खींच रहे हैं, अंदर मतलब अपोनेंट की तरफ जाना जिस तरफ समीर खड़े हैं। चलिए बढ़िया, गद्दा रख के करीब करा रहे हैं। अभिषेक की पतंग देखिए, इन्होंने पट किया अभिषेक ने, फिर ऊंचा खींच रहे अंदर की तरफ तेज ताकत से खींचते हुए, फिर से गद्दा रखा। यही गद्दा चल देंगे लग रहा है, गद्दा चल दिए, फिर रोकी और ये झटक रहे हैं, वो काटा उधर। पतंग बराबर हो गई है, आए दोस्तों। बिन्नी की पतंग देखिए, बिन्नी भाई की आपको लेफ्ट साइड ऊपर से दिख रही है। सही है, लेफ्ट साइड ऊपर से है बिन्नी और राइट साइड नीचे से है हमारे समीर। इनके पेचों को देखिए, समझिए, जो तेज तर्रार खिलाड़ी हैं वो पेच को समझे। चलिए रखते हुए बिन्नी, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से बाहर की तरफ निकालते चले आ रहे हैं, चेहरे की तरफ आ रहे हैं, जगह कम देना चाह रहे हैं समीर को। चलिए समीर अपनी जगह भी बदल रहे हैं थोड़ी थोड़ी, फटाव ज़्यादा कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं ताकि फटाव मिले और बाहर ताकत से खींच पाएँ। चलिए बढ़िया, अच्छी जगह है ये, मुड्डा ऊपर कर ले रहे हैं, पहले नीचे ला रहे थे फिर अंदर की तरफ लेके आ रहे। बिन्नी की पतंग थोड़ी सी मीडियम भारी है, ये भी समझना होगा। समीर की पतंग जबकि खिचड़ वाली पतंग एकदम, देखिए कैसे चल रही है। चलिए अंदर अंदर बढ़ रहे हैं दोनों एक दूसरे के खेमे में। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर से बिन्नी रखते हुए। चलिए अंदर की तरफ आ रहे हैं समीर, थोड़ी थोड़ी पतंगें भी कम हो रही हैं। पेज की रेंज मेरे पास से 350-400 meters। चलिए गद्दा वही लेके चल रहे हैं, करीब कराया समीर ने, अंदर खींच रहे हैं, पतंग को चलाया, पट किया और करीब कर रहे हैं, चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं बिन्नी और अंदर ये जगह बनाते चले जा रहे हैं, जगह बना रहे हैं और जगह बनाई। पतंग को देखे कैसे चला रहे हैं समीर, खटाखट पतंग को चलाते हैं। चलिए अंदर बढ़ रहे हैं, गद्दा रखा उन्होंने, समीर ने पतंग को एक चक्कर दिया, अंदर की तरफ खींच रहे, वो अंदर की तरफ दिखा रहे हैं और ये आखिरी में थपकी मार के बहुत ही टेक्निकल पेच काटा है समीर ने। जैसे ही देखा कि अंदर रुक दिखा रहे हैं, इन्होंने थपकी मारना ताकत से स्टार्ट किया, अच्छा पेच काटा। अगर खींचते तो शायद कट सकते थे, समझदारी से ये पेच लड़ाते हुए। अगला पेच लेने जा रहे हैं देखिए बबन, और ये नादरगंज का ग्राउंड है। जनरली यहाँ पे दो टीमें लड़ती है, एक तो ये जो सपाट है यहाँ से और दूसरा यहाँ से। आइए एक और पेज देखते हैं, पेज सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर से नीचे से बढ़ते हुए। देखिए पतंग कैसे चला रहे हैं समीर, राइट साइड बाहर की तरफ खींचा है उन्होंने, गद्दा चला वही मुड्डा चल देंगे क्या, रोकी पतंग अंदर की तरफ लेके आ रहे, ताकत से पट मार रहे थे और ये झोल कट गया। पट मारने के चक्कर में कहीं ना कहीं कट गया, और थोड़ा सा पहल करके और खींच देते, थोड़ा और पहल करना चाहिए था। उन्होंने बढ़िया पेच काटा, जो बात है।
बबन ने। आइए दोस्तों जावेद का पेस देखते हैं, इनके सामने कौन होगा देखते हैं। ताबिज भाई हैं, ये रहे। आइए पेज की तरफ। पेज सही है, लेफ्ट साइड नीचे से जावेद हैं, ऊपर से ताबिज भाई। देखिए डोर भी जा रही है सामने से मेरे, मतलब बगल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 से 4 टिकट इस वक्त तक स्पीड के पास है, समय 5 बजने वाले हैं। बहुत ही फाइटेड गेम ये हुआ। थोड़ी पतंग बाहर की लग रही है मुझे ताबिश भाई की, जब इन्होंने खींचा तो बाहर आई। चलिए अंदर अंदर आते हुए ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं जावेद भाई, और यहाँ है ताबिश भाई की पतंग। यहाँ है जावेद की नीचे से, और ये है ताबिश भाई की। चलिए हल्के हल्के हाथों से बाहर आते हुए अब अंदर जा रहे हैं। जावेद नीचे नीचे पतंग को लिए हुए हैं और पतंग को कम भी करा रहे हैं। देखिए तो ताबिश भाई भी ऊपर पतंग को कम करा रहे हैं। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, समझना है। पेज की रेंज बहुत ही अच्छी खासी, 450 मीटर के करीब ये रेंज। ठीक है, करीब करा रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं जावेद। दूर पतंग होती है, इसको करीब करते चले जाते हैं, उसमें समय लग जाता है काफ़ी। चलिए पेच लड़ाना था यहीं पे, तो दोनों खिलाड़ियों ने इतना लंबे पेच करके क्यों रखा था। 450 पे फिरा और 350 के करीब हम आ चुके हैं। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहते हैं ताबिश भाई, और उतना ही नीचे रखे हुए हैं जावेद, जिससे गद्दा ना पड़े। ये देखिए यहीं पे रखी है पतंग जावेद भाई की। चलिए बढ़िया जगह है, बाहर का गद्दा शो किया ताबिश भाई ने, उन्होंने पतंग को चलाया खड़ा, अंदर खींच रहे हैं। बढ़िया गद्दा ये पड़ा करारा हमारे ताबिश भाई का। सही की आवाज़ आ गई है। लेफ़्ट साइड नीचे से इमरान एक बार फिर से, टिकट करीबन 1 या 2 ही है स्पीड के पास। बहुत ही तगड़ा कमबैक किया है इमरान। देखिए लेफ़्ट साइड नीचे से काफ़ी ख़तरनाक होते जा रहे हैं इमरान। ऊपर से हमारे ताबिश भाई, पिछला पे थोड़ा सा ब्लर हो गया था। चलिए समीर की पतंग डबल की तरफ ऊपर निकल रही थी और वो अंदर खींच रहे थे ताकत से इमरान। चलिए लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, इन्होंने गद्दा चला और थपकियों पे रोका, कोई फ़ायदा नहीं। इतनी तेज़ गद्दे के आगे ऐसे नहीं, पूरी सनलक खिंचाई करनी पड़ेगी। पेस सही हो गए हैं। लेफ़्ट साइड वाली देखिए पतंग बबन की नीचे से हमारे ताबिश भाई हैं। राइट साइड वाली पतंग नीचे से, राइट साइड नीचे से गद्दा चला, उन्होंने ताकत से खींचा, इन्होंने रोक के बाहर की तरफ बहुत ताकत से खींच रहे हैं ताबिश। शानदार ये पेज काटा है ताबिश ने, ताकि थोड़ी सी पतंग उनके अंदर आई है, तो पतंग चेक करने के लिए बोली जा रही है, और ये अंदर बाहर के मुड्डे पे खींचा है, पता नहीं सही होगी पतंग। अगला पेज देखिए अमजद भाई लेने जा रहे हैं, ऊपर से नीचे से ताबिश रहेंगे। पेज सही हो चुके हैं। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ़्ट साइड ऊपर स्क्रीन पे देखिए, लेफ़्ट साइड ऊपर अमजद भाई की, कलकत्ता की टीम बैन काइट क्लब से। नीचे देखिए ऊंचा करते हुए ताबिश भाई चक्कर दे रहे, ये गद्दा चलते चले जा रहे ताबिश भाई ने, इन्होंने पलट के अंदर की तरफ मोड़ा है, लेकिन अमजद भाई की पतंग लैंड हो गई। बहुत जान लगा के खींचना होगा, अच्छा जगह पे मोड़ते तो हैं। भाई, पता नहीं आके खींची होगी कि ये भाई।
आइए दोस्तों अगला पेज देख रहे हैं। काफ़ी रेंज में ये पेज चलते हुए 550 मीटर से ज़्यादा रेंज है। सिर्फ आपको अभी अभिषेक की पतंग दिख रही है लेफ्ट साइड अंदर उतरते हुए। अब देखिए ताबिज भाई की पतंग देखिए नीचे से है, वो समझना है। गद्दा रखते हुए अभिषेक बाहर की तरफ चपटा दिखा रहे हैं, यही खींच ले जाएंगे। पतंग पट हो रही है, गद्दा उनका पड़ता चला जा रहा है और ये कट गए। पतंग ख़राब थी कहीं ना कहीं, दिख अंदर की रही थी, जा बाहर रही है और कहीं ना कहीं फटाव भी जो था वो बहुत कम था दोनों। बढ़िया गद्दा मारा है अभिषेक ने। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं। समीर लड़ाने आए हैं ऊपर से, नीचे से एक बार फिर से ख़तरनाक इमरान। इससे पहले बहुत ही अच्छा गद्दा मारा, बढ़ दूर पे पेज लड़ रहे थे। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, नीचे से इमरान ऊपर से देखिए समीर, राइट साइड वाली रखते हुए नीचे तक करीब करा रहे हैं, वो बाहर निकाल रहे हैं, ये चक्कर दे रहे हैं। समीर पतंग को चलाया, गद्दा चला, गद्दा चला, यही गद्दा चल देंगे। उन्होंने खड़ा खींचने की गलती एक बार फिर से की, गद्दा पड़ा करारा समीर का। आइए दोस्तों इन दोनों पतंगों को देखिए जो करीब में दिख रही हैं। एक पतंग आगे से लगता है पकड़ी गई, सही है। ऊपर से अभिषेक आए, नीचे से समीर, इन दोनों में बड़ा ही तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। ऊँचा करते हुए समीर देखिए, इन्होंने गद्दा मारा, ये पट मार रहे हैं, उन्होंने चक्कर दिया। अभिषेक की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग है अभिषेक की, ये गद्दा चलते हुए। आप सन लक खिंचाई और ख़त्म अभिषेक। इस बार बहुत देर से काट रहे थे अभिषेक, अच्छा लड़ा रहे हैं पेज कुल मिला के। ये सही है, ऊपर से आए हैं हमारे बबन और नीचे से समीर बने हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से बबन है, ऊँची किए हुए अभी ना ना ला नहीं रहे ला। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। देखिए परदेश का गेम है, मैंने अभी मांझे दिखाए हैं, सब बड़े बड़े मांझे, बशीर बेग, जुबैर बेग, बरेली ड्रैगन, अच्छे अच्छे मांझे लड़ते हैं। खिलाड़ी अच्छे हैं तो मांझे भी अच्छे होने चाहिए। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, कहीं से कोई कमी नहीं रखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, बिल्कुल अंदर आके बाहर का गद्दा शो किया। समीर ने पतंग को भर्रा दिया, चक्कर दिया, अंदर की तरफ ताकत से खींचते चले गए, लेकिन गद्दा पड़ गया। पूरा गद्दा चला है यहाँ पे बबन ने, अच्छा पेच लड़ा दिया बबन ने। तो ये दोस्तों लेफ्ट साइड वाली देखिए, नीचे से हमारे हमजद, ऊपर से समीर रखते हुए, गद्दा रखते हुए उन्होंने क्रॉस पट किया, ताकत से खींच रहे हैं, ये चला के बाहर की तरफ। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे, बहुत ही शानदार ये पेच काटा था। पतंग को चलाया और बाहर चपटा खींच दिया, शानदार ये पेच हुआ दोनों ही धुरंधरों के बीच, हमजद और समीर के बीच में। सिमी भैया आए हुए हैं पीछे, सैफुल, डेरी, सलमान, बहुत सारे खतरनाक खिलाड़ी हैं। सिमी भैया से पूछते हैं, और सोडी भैया भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे, शकील भाई बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये मैच और कलकत्ता की परफॉर्मेंस कैसी है? आप ये समझ लीजिए कि मैच तो हम लोग को बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानी दे करके हम लोग आज यहाँ पर आए स्पीड वेस और कोलकाता का मैच देखने। कैसी कुर्बानी? कुर्बानी इतनी बड़ी है कि ऑस्ट्रेलिया का और श्रीलंका का मैच बहुत बहुत वर्ल्ड कप चल रहा है, काना, यहीं पे चल रहा है वर्ल्ड कप का, वो मैच छोड़ के हम लोग यहाँ आए हैं कि इन लोग का जो है पतंग का मैच देखने, क्रिकेट का मैच छोड़ कर। बहुत बड़ी बात है, अभी जाएंगे हम लोग, खैर सेकंड इवनिंग का देखेंगे अंधेरे में जा करके, क्योंकि अंधेरे में पतंग तो लड़ नहीं सकती है, सही है, क्रिकेट जाकर देखेंगे। तो सोच लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देख, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो हम लोग देखिए पतंग से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, सही और साथ में संजीव भाई आपको भी बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। आप अगर ना हो तो हम लोग को यहाँ कौन दिखाए? देखिए हम लोग कहाँ, नादरगंज में जा रहे हैं, लखनऊ में यहाँ पे पतंग। बिल्कुल सही बात है। तो सैफुल भाई कैसी लग रही है कलकत्ता की टीम, कैसा मौसम? हाँ हवा, बढ़िया मौसम, बढ़िया हवा। इत्तेफाक से लखनऊ में कई दिन से हवा मरी हुई थी, आज से ही पुरवाई चालू हुई है, चालू हो गई है, और पूरे दिन के गेम लड़ रहा है। अब तक के हवा जो है मर जाना चाहिए थी, लेकिन जो है पुरवाई हवा चल रही है, बढ़िया पता। कलकत्ता कैसे खेल रही है इस समय? बढ़िया खेल रही है, फाइट दे रही है स्पीड क्लब को लखनऊ के, बराबर शराबर चल रहा है, एक दो टिकट आ रहे हैं जा रहे हैं, यही चल रहा है, अभी वन साइडेड गेम ही चल रहा है। कहीं 5 नॉक आटे हैं आपने सुना है? कल हमारे एक आलमबाग क्लब है, एक नया क्लब खुला है, अच्छा, नील कमल नाम का, शायद किसी ने नाम सुना हो। अच्छा अच्छा, तो 9 काट दिए क्या उसको? आलमबाग क्लब ने हमारे 6 नौ काटे हैं। 6 नौ काट दिए? अरे वाह क्या बात है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमने तो 6 नौ काट दिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी टीम थी जिसको काटे, सब जवान लड़के थे, बहुत बढ़िया। लेकिन जिनको इन्होंने 5 नौ काटे हैं
वो बेचारे 80-80 साल के 70-70 साल के बुजुर्ग बेचारे डंडा लेके चलने वाले लोग, उनको बेचारे को बताइए काट रहे हैं आप, बताइए कितना बड़ा पाप पड़ा होगा। आप सोचिए एक्सपीरियंस प्लेयरों को, एक्सपीरियंस प्लेयर बच्चों को दिखाइए, इतने से बच्चे से कल इन्होंने पतंग लड़ाई है, उनको काटे हैं। अब आपसे हम बता दें कि हमने तो नीलकमल क्लब पहली बार ढूंढा, हमारे पास फोन आया, कहने लगे लड़ाई है हमसे, हमने एक डाल दिया भाई किसी का खून नहीं उबाल मार रहा, पतंग लड़ाए हमसे ये करे, तो नील कमल वाले पता नहीं कहाँ से देख लिया, अब छतों के थे कहाँ के थे, उन्होंने हमसे लड़ा लिया। लेकिन इन्होंने जिनसे लड़ाया है उनको तो जबरदस्ती हका के लेके गए थे, जैसे गरेड़िया नहीं बकरियों को हका के लेके जाता है। थोड़ी तफरी मस्ती चलती हुई सिमी भैया बताते हुए एक दूसरे की खिल्लियां उड़ाते हुए। सोडी भैया से पूछते हैं कलकत्ता अभी तक कैसा खेल रही है। सोडी भैया गेम खेल रही है, बढ़िया बराबर खेल रही है। हाँ, बराबर से फाइट कर रही है। टिकट दब गए, दो चार टिकट दब गए, दो चार टिकट कलकत्ता के दब गए। हाँ, यानी स्पीड के पास आ चुके हैं, तो कुछ ही टाइम बाकी है, चलिए जो दो चार पेज बाकी है वो भी दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा खेला है कलकत्ता ने अभी तक। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, जावेद हैं ऊपर से, नीचे से समीर तीन चार पेज काट चुके हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, ऊपर से हैं जावेद, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं समीर, अब देखते हैं क्या करेंगे। उन्होंने गद्दा चला, ओए होए भर्रा छोड़ने वगैरह में ही कट गए हैं यहाँ पे समीर। आइए दोस्तों, ताबिश भाई ले रहे हैं ऊपर से पेच, नीचे हैं बबन, यहाँ सही है पेच, लेफ्ट साइड नीचे देखिए पतंग, लेफ्ट साइड नीचे देखिए, ये कलकत्ता की पतंग है, राइट साइड ऊपर देखिए, ये ताबिश भाई की पतंग है। अंदर जाते हुए तीन से चार अभी टिकट जो हैं ये लखनऊ के पास हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर आते हुए चले जा रहे हैं, दोनों पतंगें स्क्रीन में आ ही नहीं पाएंगी। चलिए ठीक है, करीब कराते हुए दोनों पतंग, ताबिश भाई देखिए करीब करा रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल के लेके आ रहे हैं, देखिए बाहर मतलब अपनी तरफ लेके आ रहे हैं। चलिए पतंग के गद्दा, वही गद्दा चल देंगे, उन्होंने रोक के चपटा बाहर खींचा और गद्दा पड़ गया करारा यहाँ पे। अब्बास भाई कह रहा हूँ, हमारे ताबिश भाई का। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड ऊपर से देखिए जावेद एक बार फिर से, नीचे से हमारे समीर आए हुए हैं, लगातार ताबिश और समीर ही पेच ले रहे हैं। अंदर की तरफ आते हुए ये देखिए जावेद की पतंग देखिए, बाहर का गद्दा शो किया। चलिए बाहर का गद्दा शो करते हुए समीर ने चपटा बाहर खींचा है, लगाई है ताकत दोनों ने, बढ़िया गद्दा मारा है जावेद ने, शानदार ये पेच काटा है जावेद ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे नीचे से जावेद, ऊपर से देखिए ताबिश भाई रखते हुए और अंदर जगह बनाते चले जा रहे हैं जावेद, इन्होंने गद्दा रखा, चलिए यही मुड्ढा लेंगे, रोकी पतंग अंदर की तरफ गद्दा दिखाते हुए वो बाहर चपटा खींच ले गए, बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हुए जावेद। ये सही है दोस्तों, नीचे से हैं जावेद, ऊपर से आए हैं समीर, लगातार समीर ताबिश यही चल रहा है, उधर से स्पीड से चलिए रखते हुए। राइट साइड वाली पतंग देखिए, पतंग को चलाया तेज, ये गद्दा दिखा रहे हैं, उन्होंने खड़ा खींचा है और ये गद्दा पड़ा है समीर का, बहुत ही बढ़िया पतंग को तेज तेज चला के गद्दा मार दिया। अभिषेक की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से गद्दा बनाते हुए नीचे से हैं ताबिश, रोक के अंदर ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, ये झटक रहे हैं लेकिन बल कट गया, जब तक ये झटकते तब तक झोल काट दिया ताबिश ने।
अजीब सा मौसम हो गया, एकदम अंधेरा और गेम हो गया समाप्त। 6-7 टिकट से स्पीड बढ़ी हुई है, यानी एक तरह से जीत गई है। चलिए 7-8, अरे कुल मिला के जीत गई 9 टिकट। चलिए 6-7-8-9 टिकट जो भी है। अच्छा, यहाँ पे कलकत्ता की टीम ने लड़ाया, बेन काई क्लब ने, पूरी ताकत से दोनों लड़ा रहे थे। फिलहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हो ही जाती हैं, और स्पीड को बधाई लखनऊ की टीम, स्पीड काई क्लब ने 8-9 टिकट जो भी हैं से ये गेम जीत लिया है। अरे कितने टिकट है? 8 हो गया। चलिए कुल मिला के 8-9 टिकट हैं। वो डेरी भाई आखिरी पेज लड़ा रहे थे मेरे ख्याल से, आपस में ही लड़ा रहे हैं। 8-9 टिकट कुल मिला के। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपस में लड़ा रहे हैं सब। ये देखो समीर जा रहे हैं लड़ाने, 10 टिकट हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया गेम लड़ाया, बहन भाई ने भी अच्छे पेज लड़ाए, तो कुल मिला के स्पीड ने 10 टिकट से ये गेम जीत लिया है। काइट कल्चर से जुड़े रहे हैं दोस्तों, काइट कल्चर से। आंधी आ गई, आंधी पूरी तरह पछिया हुआ गया है। अचानक से पता नहीं 35-40 की हवा